और वो मेरा बेटा है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवाने की? आप अपनी जबान और कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर सक्सेना। आप अपनी दौलत से जिस्म खरीद सकते हैं, किसी शरीफ लड़की की इज्जत नहीं। आपके नालायक बेटे ने एक गुनाह किया है और वो भी मेरी आंखों के सामने, और मैं इस सच्चाई से नजर नहीं चुरा सकता। तुम सच्चाई से तो नजर नहीं चुरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमसे जो बन पड़े कर लो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखो, आदर्श कुमार मर सकता है लेकिन सच्चाई के रास्ते से कभी हट नहीं सकता। इज्जत उसकी लूट जाती, तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत थी? कौन सा परमवीर चक्र मिल जाने वाला था तुम्हें? अब नौकरी जाएगी वो अलग। मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तुम्हें तो मेरे खाने पीने और जीने का बंदोबस्त करो ना। पुरखों का बंगला मेरे नाम कर दो। वो नहीं करोगे। तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी जवानी तुम्हारे इन पिल्लों पालने में गवा दूंगी? आहा, लो चले सपूत, जैसा खून वैसे ही छींटे। कामिनी, कम से कम सूरज का तो ख्याल करो, वो अब इतना छोटा तो नहीं है कि तुम्हारी इन बातों को समझ ना सके। लेकिन मैं तुम बाप बेटे को अच्छी तरह समझती हूँ। भगवान ही तुमसे निपटे, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोग के पेट का नरक भरते भरते। अरे ओ, तू क्या घूर घूर के देख रही है? अरे खा ना, भरना अपना पेट। क्या कर रही हो ये? अरे क्या कर रही हूँ? हाँ, छुआ तो तुम्हारी बच्चे के आंसू निकल आए। अरे इसकी आंखों में तो जैसे समंदर भरे हुए। रो रो या मरो, मुझे क्या। ओ बेटे, कसूर तुम्हारा नहीं है बेटे, कसूर तो मेरा है। मैंने तुम्हारे बचपन को आग लगा दी। सच बोलना चाहता था, जल गया बेचारा। जब तक झूठ बोलता रहा, हमारी मेहरबानी के साए में जिंदा रहा, लेकिन आज सच बोलने की कोशिश में मर गया। ये बेचारा भूल गया था कि धनेश्वर की छत के नीचे झूठ को पनाह और सच को मौत मिलती है। धनी सेठ, सच बोलने वाली कुछ और भी हस्तियां हैं। तस्वीरें लायो। जी जी, दीजिए। है ना, ये तो लड़की है। लड़की तो सिर्फ वजह है, फसाद की जड़ तो एक प्रोफेसर है जो मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहता है। ये तस्वीर सक्सेना, धनेश्वर को हीरे और खूबसूरत चेहरे बहुत पसंद है, और जो भी हमारी पसंद का निशाना बन जाए वो हमारी तिजोरी में होता है या तो फिर हमारे बिस्तर में। दिलावर, कौन है लड़के? कौन हो तुम? हम हुस्न के पुजारी हैं। शराब जिसकी कमजोरी है और शबाब जिसकी जरूरत है। सूरज बेटे, तेरे बाप आदर्श कुमार को मैं जिंदा रहने का ज्ञान दे रहा हूँ। तो मालूम है, इस शहर में अकेला जासूस हूँ जिसके पास इतना ज्ञान है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उसके ज्ञान की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं। ये बात मालूम क्या हुआ? प्लीज मुझे बोर मत कीजिए। बोर? मैं बोर कर रहा हूँ? ये पहला आदमी जो मुझे बोर बोल रहा है। डैडी देखे ना प्लीज। अरे वो ज्ञानी, इधर आ जा। बैठ जा बेटी। बाप गधा समझता है, बेटी घोड़ा। पक्का फिल्मी है। पकड़, कस के पकड़। तू राजकुमार की गोद में चिपका रहे। ए माँ, भाई तू गिना नहीं आने तो तेरा बाप मेरे गले पड़ेगा। अच्छा यार बेटे ना,
अरे ये वजन कम कैसे हो गया? अरे क्या करता है यार? चल बेटी उतर जा। अरे तेरा दिमाग घास खाने गया है क्या? क्यों? टेबल के नीचे से आता और कहता है उतर जा, वो कब की उतर गई वहाँ? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है वो उतर गई है। अच्छा ये तो बता तेरे उस केस का क्या हुआ? कौन से केस का? मेरे पास तो 50 केस हैं। अरे भाई वो केस जिसमें वो लड़की भागी थी, वो मोटी वाली? हाँ वो पकड़ी गई। लेकिन भागी थी किसके साथ? अपने पति के साथ। पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है, एक जमाना था जब लड़कियां अपने ड्राइवर के साथ भागती थी, अपने वॉचमैन के साथ भागती थी, अपने नौकर के साथ भागती थी, अपने माली के साथ भागती थी। आजकल की लड़कियां अपने पति के साथ भागती, को भागने की चीज है यार? पता नहीं दुनिया का क्या होने वाला है। अच्छा एक बात बता, तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? क्यों भाई? मैं इधर बैठा हूँ तो मेरे उठने बोलता भी नहीं कि जाके उधर बैठ। अच्छा उठ 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 खिलाएगा ना? उठ उठ। ओह तू पहले काम कर। बोल ये नई वाली भाभी क्या से गर्मा गर्म चाय पिला। नई भाभी और चाय? अरे उसके आने के बाद तो मैंने चाय बनाना सीख लिया है। क्या मतलब भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ, खुल के बोल क्या बोलना चाहता है? क्या बताओ यार, मैंने ये सोचकर दूसरी शादी की कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, मगर उसके आने के बाद मेरे बच्चे और भी अगले हो गए। चलो रूमा। अरे अरे मैं चाय मांगा तो कोई तेरे अरमानों का खून थोड़ी मांगा था। ए, क्या यार तू भी? धनेश्वर गौर से देखो इन हाथों को, जिन्होंने जिंदगी भर सिवाय किताबों के कोई बोझ नहीं ढोया, लेकिन आज इस जलील को तिनके की तरह उठाकर तेरे कदमों में ला फेंका है, सिर्फ इसलिए कि इन हाथों में सच्चाई और ईमानदारी की ताकत भरी है। मैं तेरे पापों की काली दुनिया में कोई शराफत का चलाक जलाने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि मैं तुझे घसीट कर फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। हाँ, हाँ, बोल बोल। शमशान में जहाँ तुम्हारा बाप सच्चाई का कफन ओढ़कर ईमानदारी की चिता में जल गया। चल हटो मेरे रास्ते से। मम्मी कहाँ जा रही हो आप? चुप रे, टोक मत जाते जाते। चलो मरो यहाँ से, जाओ और संभाल इसे भी, मेरी छाती पे कहाँ ले जाओ। भागे चलो ड्राइवर, तुम क्या मुंह देख रहे हो? चलो मर गया मेरा दोस्त, मर गया। अरे खुद तो मर गया लेकिन उन मासूमों को जीते जी मौत मार के चला गया, जिनके सर पे माँ का आंचल तो पहले से नहीं था, बाप का साया भी छीन कर चला गया और छोड़ दिया उनको दुखों की चल चलाती धूप में। अब वो सारी जिंदगी ठोकरे खाएंगे, थप्पड़ों के जख्म सहेंगे वो लोग। कहाँ ढूंढा उन्हें, पता नहीं किस हाल में होंगे। Rumah! Rumah!
कीजिए सर, मेरी मदद कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? मैं एक स्कूल टीचर हूँ, बच्चे मेरे पैर छूते हैं लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं। मैं भीख नहीं मांगता सर, आई एम नॉट अ बेगर, मेरी बहन बीमार है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ तुम्हारी बहन को? इसकी हालत तो बहुत खराब है। सूरज बेटा चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है सर। खाना खा लो बेटे, नहीं तो साफ साफ बता दो कि तुम्हें माँ पसंद नहीं है इसलिए तुम खाना नहीं खाते। ऐसी बात नहीं है माँ जी। ओहो खा लो ना भैया, इतनी जिद तो हम भी नहीं कर रहे। Thank you.